अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। हमारे पास है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने ये दो इक्वेशन दे दी है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। इन इक्वेशंस के हमने रूट्स फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इक्वेशन के जब हमने रूट्स फाइंड करने होते हैं तो उसके लिए, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन है या हम क्वाड्रेटिक फार्मूलाज करें, उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूलाज अगर फाइंड करें उसके लिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। पहले ये मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। एक्स को पहले इससे करेंगे फिर बी से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी। अब ए को एक्स से करेंगे फिर बी से करेंगे, माइनस एक्स ए माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस। सेम इसी तरह इसे भी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस बी सी प्लस। इसे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस एक्स सी प्लस ए सी इक्वल ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर वाली लेंगे पहले, ये एक्स स्क्वायर वाली 3 है तो हम लिखेंगे 3x², ठीक हो गया। प्लस अब हम लेंगे एक्स वाली, और एक्स वाली में से पहले एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया एक्स कॉमन, ले लिया माइनस ए माइनस बी, यहाँ रह गया माइनस ए माइनस सी माइनस बी माइनस ए माइनस सी, ठीक हो गया। एक्स एक्स जो इनके साथ है वो मैंने इस तरह कॉमन ले ली। अब बाकी जो एक्स के बगैर है उन्हें लिख रहे हैं। ये ए बी आ गया, बी सी ए सी, ठीक हो गया, इक्वल ज़ीरो। 3x² प्लस एक्स, ये दोनों ए हैं, माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल ज़ीरो, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ठीक हो गया। इसमें से माइनस टू ए कॉमन लेकर लिख लेते हैं, 3x² माइनस टू ए, एक्स लास्ट में मैं लिख देती हूँ, सॉरी टू ए नहीं लेना, बाकी a प्लस बी प्लस सी रह गया अंदर, और ये x मैंने इस तरफ लिख दिया, इनमें से माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल ज़ीरो। अब a इक्वल हमारे पास क्या आ गया, x के कोफिशन को a कहते हैं, x के कोफिशन को b कहते हैं, वो हमारे पास इतनी वैल्यू है, माइनस टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस नहीं कोमा, c की वैल्यू क्या होगी, बाकी जो हमारे पास आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉन्स्टेंट है, ठीक हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं क्वाड्रेटिक, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उसका स्क्वायर रूट ओवर टू ए, माइनस बी की जगह ये सारी वैल्यू आएगी, माइनस टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस सारी वैल्यू का स्क्वायर, माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू ये सारी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर रूट ओवर टू ए की वैल्यू 3, ठीक हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो गया, टू का स्केयर 4 आ गया। अब इस सारे का स्केयर लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिख रहे, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ब्रैकेट, ये 4 3 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक हो गया, ओवर 3 2 6। अब देखें यहाँ भी 4 है, ये सारे के साथ है ना, ये 12 इस सारे के साथ है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 को जब हम कॉमन लेंगे दोनों में से तो बाकी इधर ये भी वैल्यू रह जाएगी, इधर 3 रह जाएगा जो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। मैं उस तरफ से सॉल्व करती हूँ, हमारे पास बाहर क्या है, 2a + b + c, 2a + b + c प्लस माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc, इधर लिख रही हूँ प्लस 2ca प्लस, इतना हो गया। अब देखें यहाँ 4 कॉमन चला गया, 3 रह गया, माइनस 3, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए, इधर माइनस 3ab माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca,
ठीक हो गया, ये सारे के ऊपर स्केयर रूट है और ओवर में क्या है सिक्स। अब ये फोर स्केयर रूट से बाहर आके टू बन जाएगा, ये स्केयर रूट से बाहर लेके आ गया तो टू बन गया। ये ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये टू ए बी प्लस का, ये टू ए बी माइनस का, तो करेंगे तो हमारे पास माइनस ए बी आ गया। इसको और इसको करेंगे माइनस ए बी ए बी सी, इसको और इसको करेंगे माइनस सी ए ओवर सिक्स। अब देखिए टू इस सारी के साथ भी, इससे एक साथ भी है तो कोमा ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्केयर रूट में ये भी वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर सिक्स। टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो बाकी वैल्यू जो रहेगी वो हमारे पास आंसर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर थ्री। ये एक्स की वैल्यू आ गई, इसे कर ली ब्रैकेट में नहीं देंगे तो सोल्यूशन सेट आ गया, रूट्स आ गए, रूट आ गया। ये जो 19 क्वेश्चन था इसका एक दो फिर देख लिया क्वेश्चन नंबर 19 को, हमने क्या करना है पहले से सिंप्लीफाई करके हमने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना, मतलब एक्स की एक्स के एक्स और कांस्टेंट की फॉर्म में इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया। जिस तरह सिंपल हम मल्टीप्लाई करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की, फिर हमने एक्स के वैल्यू को इकट्ठा कर लिया, एक्स वैल्यू में से एक्स को होमोलेगे इकट्ठा कर लिया, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, इन्हें प्लस माइनस करके ये है तो माइनस टू सब में मौजूद था ना, माइनस टू को कॉमन ले लिया। अंदर भी रहने थे वैसे भी सॉल्व कर लेते तो आप कर सकते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती फॉर्मूले को अप्लाई करने में। मैंने ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने के लिए इसमें से माइनस टू कॉमन ले लिया ताकि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो, तो नहीं तो बाद में भी तो हमें कॉमन लेना ही पड़ रहा है, तो इसलिए पहले मैंने कॉमन लेकर लिख लिया है। फिर ए बी सी की वैल्यूज लिखी, इसे फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें जो है इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म में लिखा ही हुआ है। देखिए जरा ए वो इस तो उस तरफ लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्केयर सॉरी ए प्लस बी एक्स के, फिर साथ में प्लस ए प्लस टू बी प्लस सी एक्स प्लस ए सॉरी प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो। अब लिखते हैं ए बी सी की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 20 ए इक्वल क्या आएगा एक्स स्केयर का कोफिशेंट, एक्स स्केयर का कोफिशेंट हमारे पास क्या है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ए प्लस बी। अब बी की वैल्यू लिखते हैं, अब उधर देखें एक्स का कोफिशेंट, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है सारा एक्स का कोफिशेंट है, वो क्या लिखा हुआ है ए प्लस टू बी प्लस सी, ए प्लस टू बी प्लस सी। अब सी की वैल्यू लिखनी है, बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म बच गई जिसके साथ एक्स नहीं है वो क्या है बी प्लस सी, ये बी प्लस सी आ गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू क्या है ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्केयर, तो बी की ये भी वैल्यू है ए प्लस टू बी प्लस सी का होल स्केयर माइनस फोर ए की वैल्यू ए प्लस बी और ए सी सी की वैल्यू बी प्लस सी ओवर टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए प्लस बी, ठीक हो गया। अब हमने सॉल्व करना है, ये वैसे ही रहेगा माइनस इंटू ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस। अब हमने इसका स्केयर ओपन करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ओपन किया था ना सेम उसी तरह करना है, उसमें बी के साथ 2 नहीं थे, इसमें बस बी के साथ 2 आ गया तो उसका स्केयर 4 बी स्केयर बन जाएगा, बाकी सेम वैसे ही। पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर मतलब 2 बी का स्केयर तो 4 बी स्केयर बन जाएगा, प्लस तीसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2 पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 बी ए बी, तो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 ए बी। इस तरह होता है 2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस 2 दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू प्लस 2 तीसरी वैल्यू पहली वैल्यू, यहाँ पहली वैल्यू क्या थी ए और दूसरी 2 बी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और पहली, इसी तरह किया 2 टू ज़ा 4 ए बी। अब प्लस इसे करेंगे 2 टू ज़ा 4 बी सी, अब इसे करेंगे प्लस 2 सी ए, ठीक हो गया। इसे हमने कर लिया, अब हम आगे नेक्स्ट वैल्यू करते हैं माइनस 4 वैसे रहते पहले अंदर वाली को मल्टीप्लाई कर, ए को बी से करेंगे ए बी प्लस ए को सी से करेंगे ए सी प्लस अब बी को बी सी और सी से करना है बी स्केयर प्लस बी सी और ब्रैकेट को बंद कर दिया, ओवर में हमारे पास क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक हो गया। अब इसे वैसे लिखेंगे स्टार्ट पर तो वैसे ही आ जाएंगे माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस
ए स्केयर, ये भी सारा वैसे आ जाएगा यहाँ तक, ए स्केयर प्लस फोर बी स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस फोर ए बी प्लस फोर बी सी प्लस टू सी ए, यहाँ तक लिख लिया। अब इस माइनस फोर को अंदर इनसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस फोर ए बी माइनस फोर ए सी माइनस फोर बी स्केयर माइनस फोर बी सी ओवर, हमारे पास आ गया टू इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया, हमने इसे प्लस माइनस वगैरह करके फिर लिखा है। ये देखिए फोर ए बी, फोर ए बी से कैंसिल आउट हो गया, फोर बी सी, ये फोर बी सी से कैंसिल आउट हो गया, और ये फोर बी स्केयर, फोर बी स्केयर से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए स्केयर सी स्केयर, और ये वाली दो ये माइनस फोर ए सी में से टू सी ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस टू सी ए आएगा। उस तरफ मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी सारा जो बच गया उसे हमने वैसे ही लिख लेना है। अब देखिए इस तरफ माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी वैसे लिखेंगे, माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस, यहाँ के बच गया ए स्केयर प्लस सी स्केयर, इसको और इसको माइनस करेंगे तो माइनस टू ए सी। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ज़रा कौन सा बन रहा है फॉर्मूला, माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी, ये हमारे पास ए माइनस सी का होल स्केयर बन, इसे ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू ए सी, यही चीज़ आ जाएगी टू ए प्लस बी, ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में लिखना है हमने, एक्स इक्वल माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी, प्लस में लिख रहे हैं पहले ए माइनस सी, स्केयर रूट जो था वो तो कैंसिल हो गया ना स्केयर से, ओवर टू ए प्लस बी, माइनस वैसे इनके साइन चेंज, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी प्लस ए प्लस माइनस सी, ये इससे कैंसिल हो गया। नीचे भी वैल्यू वैसे लिख लेते हैं, टू इंटू ए प्लस बी, ये माइनस टू बी, ये हो जाएगा माइनस टू सी, टू इंटू ए प्लस बी, ऊपर से माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बी प्लस सी रह जाएगा, ओवर टू ए प्लस बी, ये टू से टू कैंसिल तो ये आ जाएगा माइनस इंटू बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिखा है माइनस में लिखना है, माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस सी, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, ओवर टू ए प्लस बी, माइनस वैसे इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, इस माइनस वैसे इसका साइन भी चेंज होगा, माइनस ए प्लस सी ओवर टू ए प्लस बी, ये सी से सी ओ कैंसिल हो गया, इसको जब हम करेंगे तो माइनस टू ए आ जाएगा, माइनस टू ए माइनस टू बी ओवर ये टू ए प्लस बी, ऊपर से माइनस टू कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी ओवर टू ए प्लस बी, ये टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस वन आ गया, हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, एक तो आ गया माइनस वन, दूसरा माइनस इंटू ए प्लस सॉरी बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी, इसके कर्ली ब्रैकेट में लिखने तो आप लोग के सब पास ये सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया, इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।